दुनिया भर के बाजारों से आज मिले जुले संकेत, रेंज में है बाजार आज हरे निशान के साथ शुरुआत के आसार। क्या फिर से 11,000 की तरफ बढ़ेंगे या ऊपर खुलने के बाद फिसलेंगे, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और मैं हूं डिंपी कालरा। यूएस मार्केट्स की एक दिन की छुट्टी के बाद जब वो खुले तो वो कमजोरी खुले, करीब 2% के आसपास की नेस्टेक के अंदर आपको गिरावट आती हुई दिखी, लेकिन एशिया कर रहा है बिल्कुल उससे अलग होके काम। हांगकांग का बाजार इस समय करीब 70 पॉइंट ऊपर है, एसजेक्स निफ्टी हरे निशान में है। जरा आज के ट्रिगर्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सिलसिला तरीके से, सब डाटा आपके सामने रखने वाले आज के अहम ट्रिगर। लेकिन उससे पहले आज के जरा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के हिसाब से ग्लोबल मार्केट, जो कि एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस मार्केट खुले, आज वहाँ पे क्या सिचुएशन है। और आज उससे पहले हम एडिटर्स टेक के तौर पर बात करेंगे मुहिम की, जो टैक्स को लेकर। हाँ बिल्कुल, तो क्या चूंकि अब बजट नजदीक आ रहा है और आज से हम एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं और वो ये कि वित्त मंत्री जी LTCG घटाओ, घटाना तो कम हो जाएगा, हटा दो, जो लगाया पिछली बार वो हटा दीजिए। पिछली बार किया क्या था, वित्त मंत्री ने कहा था कि भाई 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का अगर आपका कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म वाला तो आपको टैक्स देना होगा 10%। ठीक है, पहले ये 0 था, शॉर्ट टर्म आपको देना पड़ता है 15%। तो फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क रहा नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि 1,00,000 का अमाउंट होता है बहुत छोटा, तो ऐसी सिचुएशन में कोई वजह नहीं है और नहीं ऐसे आंकड़े कि इससे बहुत ज़्यादा आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन 31 जनवरी की जो 2018 की डेट दी थी, जिसके लिए कट ऑफ माना गया कि इसके बाद की प्राइसेस जो होंगी वो आपको वहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा, जो मोटा मोटी कैलकुलेशन है वो ये है कि 80% शेयर 31 जनवरी 2018 के भाव से नीचे चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये कि इस साल किसी का लॉन्ग टर्म गेन तो वैसे भी नहीं बना। और ऐसे में सेंटिमेंट के लिहाज से ये ठीक नहीं है कि मतलब अगर फिर भी लगता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अपने आप में ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें पैसा वसूली करना है, कहीं और कर लीजिए ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को आप क्यों हतोत्साहित करना चाहते हैं टैक्स लगाकर। मैं तो कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना लोग खुश होकर लंबे समय के लिए पैसा लगाएंगे, न कि दिन के लिए कि सुबह शाम दिन रात वैसा। तो लॉन्ग टर्म पे तो हटाना चाहिए, कहीं और भरपाई करनी है, वो रास्ता क्या हो सकता है वो आप सोचो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म करो तो 15%, लॉन्ग टर्म करो तो 10%। तो आदमी सोचेगा 5% के लिए मैं क्यों लॉन्ग टर्म रखूँ, पैसा बन रहा है ले लेते हैं। तो वो आप है ना, वो ट्रेडर वाली माइंडसेट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वाली माइंडसेट ला रहे हैं, जबकि इक्विटी है क्या, इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग कैसे आएगी इन्वेस्टर्स में। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जी LTCG हटा दीजिए और आज से जी बिजनेस ये मुहिम शुरू कर रहा है LTCG हटाओ। इस मुहिम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, आप मतलब हमारे सारे दर्शक। और दो तरीके हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, हम वहां पर एक पोल शुरू कर रहे हैं आपकी क्या राय उस पर रखिएगा। ट्विटर पर हम एक पोल शुरू कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी राय रखिएगा कि क्या LTCG हट जाना चाहिए। मैं कमी की बात नहीं कर रहा कि 10 को 5, नहीं, बिल्कुल नहीं, 0। पहले वाली सिचुएशन, 1 साल पहले जो सिचुएशन थी, पिछले बजट में जो गलती हुई उसे सुधार लेना चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत हमारा स्ट्रांग व्यू है। सवाल ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, सवाल ये भी नहीं कि वित्त मंत्री जी को बहुत नुकसान हो जाएगा या बहुत टैक्स मिल जाएगा, ये इशू नहीं है। इशू सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स का है। हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, सबसे बड़ी बात है। पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा कि किस तरह से हमारे घरेलू इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि FIIs की भारी भरकम बिकवाली के बावजूद बाजार ऊपर है नीचे नहीं। तो जो इन्वेस्टर हमारे पैसा लगा रहे हैं, आप उनसे क्यों पैसा लेना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटना चाहिए, ये हमारी एकदम कोशिश है। LTCG लगाया गया था उस समय ये तर्क दिया गया था कि बाजार के लोगों ने काफी सारा पैसा बनाया है और जो लोग जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा और जगह स्लो डाउन है, तो मार्केट के लोगों ने बहुत पैसा बनाया इसलिए LTCG उनके ऊपर लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसलिए 1 साल की तो समझ में ऐसा है, अब इसका तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जो जो ऐसा बोलता है उससे उसको इन्वेस्ट करो मार्केट में, उनको पता चल जाएगा कितना पैसा बना है, है ना। हम तो सुबह शाम देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, लोगों से बात करते हैं, इन्वेस्टर्स के रोज दुख दर्द सुनते हैं, समझते हैं। पैसा बनता है, डेफिनेटली बनता है लॉन्ग टर्म में। 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड के जरिए कोई अच्छे शेयर खरीद कर रख लेते हैं, उनका बनता है। बाकी अगर 1 साल में 6 महीने में बहुत पैसे बनाए, पता नहीं किसने किसको देखा बनाते हुए, हमने तो नहीं देखा। ठीक है, तो LTCG हटाओ
ये पूरी तरह से हमारी मुहिम है और ये आज से रंग लेके आ रही है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनिल जी ने आपको बताया कि फेसबुक और ट्विटर दोनों हैंडल्स आपके सामने खुले हैं, पार्टिसिपेट कीजिए और साथ में हम ये मैसेज कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री तक पहुंचे और उनसे ये बात रखें। पहुंचेगी तो ही है, वो करें ना करें, हाँ। ये तो पहुंचेगी, बात तो पहुंचेगी, उसमें बात निकली तो दूर तक लग जाएगी, दूर तक लग जाएगी और जाएगी तो रंग भी लेके आएगी। अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं कि जिसको हमने मुहिम के तौर पर छेड़ा हो और वो अपना असर ना दिखाता हो, दिखाओ 24 घंटे के अंदर असर आते हुए दिखे। उम्मीद करते हैं इस बार वित्त मंत्री इस पर भी जरूर अपनी बात रखेंगे। LTCG हटाओ वित्त मंत्री जी से, ये हमारी मुहिम है। आगे बढ़ते हैं अब जरा ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स अपने न्यूट्रल रखे जबकि यूएस के अंदर 2% की गिरावट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये डिम्पी, देखिए परसों डाउ फ्यूचर्स 150 नीचे थे और कल शुक्रवार को और कल थे 100 पॉइंट नीचे, तो एक दिन की छुट्टी को एडजस्ट करके आप देखें तो 250 पॉइंट आपको डाउ फ्यूचर्स नीचे होने चाहिए, उसके सामने 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ डाउ, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 50 पॉइंट ही उम्मीद से ज्यादा गिरा है। मैं ऐसे देखता हूं, मैं तो वो एडजस्टमेंट करके देखता हूं, जब मूड ठीक होना तो एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो और दूसरा ये कि मेरे लिए कच्चा तेल $2 नीचे आया है, मेरा वो काम का है भाई, 60 के नीचे आ जाए तो मेरा तो एकदम फिट हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा दिल एकदम, ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो नीचे तो आ रहा है ना भाई, इस नीचे आ रहा नहीं आ रहा चल छोड़ दो, बढ़ना तो बंद हुआ है, बढ़ना तो बंद हुआ ना कम से कम, कि 62-63 के आसपास ब्रेक लगा है तो मेरे लिए उतना भी काफी है। तो ये दो चीज ऐसी है जो मुझे पॉजिटिव साइड पर नजर आ रही, एक डाउ का गिरना न्यूट्रल है, दूसरा कच्चे तेल का बढ़ने से रुकना ये न्यूट्रल से पॉजिटिव है, और तीसरा रहा करेंसी का सवाल, ये दिक्कत की बात है। करेंसी कल फिर से कमजोर हो गई 16 पैसे, तो करेंसी में अगर आज थोड़ी रिकवरी आ जाती है, मजबूती हो जाती है तो ठीक है, तो करेंसी और साथ दे दे तो ठीक है, बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स मिले जुले। दूसरा क्यों न्यूट्रल है भाई, ये तो हो गया, कल जो गिरना था गिरे, अब आगे क्या, अब अगर आगे आपको ये दिख रहा है कि हांगकांग 50-75 ऊपर है, अगर आगे आपको ये दिख रहा है कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े ऊपर नजर आ रहे हैं, तो फिर इतना मूड बिगाड़ के बैठने की क्या जरूरत, ठीक है ना, गिर गए हो गया, अभी क्या है, आगे का सोचिए, आगे का हाल बुरा नहीं है, तो इसलिए न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं, ठीक है। एसजेक्स निफ्टी भी हरे आपको बोलता है नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल ही समझा जाए। और एसजेक्स निफ्टी भी यही बयान करते हुए कि 13 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। FIs और DIs, कल मैं कैश सेगमेंट के आंकड़े देख रहा था, कल 80 पॉइंट जब मार्केट टूटा, आंकड़े बड़े आने चाहिए थे लेकिन कोई कुछ आया नहीं। तो मैं इसलिए न्यूट्रल साइड पर रख रहा हूँ FIs के आंकड़े, DIs के आंकड़े भी न्यूट्रल साइड पर हैं, जो हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। FNO के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, सेंटिमेंट मैंने अभी भी पॉजिटिव लिखा है, कल की गिरावट का मेरे लिए सेंटिमेंट बिगड़ा ही नहीं, जब तक 10-900 के आसपास बंद हो रहे मेरा सेंटिमेंट खराब नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 25-30 पॉइंट नीचे बंद होगी, क्या फर्क पड़ता, हो गया 10-900 के ऊपर है ना, 900 के ऊपर, हाँ अच्छे ही है और ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले 3 दिन से FNO पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, करेक्ट, वो जस का तस एकदम है, बिल्कुल है, कोई नहीं बदला, मैं 30-40 पॉइंट की गिरावट से सेंटिमेंट बदलता नहीं। अच्छा आइए, अब आज के दिन से निर्णायक लेवल भी नहीं बदले, कल बदला था, आज फिर से नीचे है, आज फिर से नीचे घूम फिर के 10900 बेसिकली 10900-10925 निर्णायक लेवल है निफ्टी का, तो आज 10900 रखा है। आपने एक वित्त मंत्री से मुहिम चलवाई कि LTCG घटाओ, पूरी तरह से खत्म कर दो इसको, हटा दीजिए, हमारी ये मुहिम है कि 10900 का निर्णायक लेवल को 11000 करते हैं, 11000 निर्णायक लेवल लगाओ, ये हमारी मुहिम है, 10900 निर्णायक लेवल हटाओ, हाँ। इसको 11000 बनाओ, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो तो बेहतर है। 10900 निर्णायक लेवल, 27500 बैंक निफ्टी का निर्णायक लेवल, इसमें कोई बदलाव है नहीं, रेंज में थोड़ा बदलाव है, थोड़ी छोटी की है ट्रेडिंग रेंज को, 10850-10950 ये निफ्टी की छोटी ट्रेडिंग रेंज है, उम्मीद करता हूँ कि इस रेंज में आप वक्त बिताएंगे, थोड़ी सी बड़ी करना है तो 25-25 पॉइंट ही बढ़ाया है दोनों तरफ, 10825-10975, और बड़ी करना है तो 10800-11000 बस, मतलब मैं ना अभी डिम्पी थोड़ा सा ऊपर की तरफ बहुत बुलिश होके नहीं जा रहा, और क्यों नहीं जाना चाहता उसकी रीज़न ये है कि जब ज़्यादा बुलिश होते हैं तो 11000 के आसपास जाके बिकवाली आ जाती है, कम बुलिश हैं सेंटिमेंट खराब, आपको याद है 10930 उस दिन तोड़ा और ऊपर निकले जिस दिन उम्मीद कम थी कि आज भागेंगे, तो अब हम उम्मीद कम ही रखेंगे, कम उम्मीद में ठीक है, जहाँ है ना दर दर के कॉन्ट्रा कॉल बोल्ड कॉल ऐसा देते हैं ना वहीं पे काम अच्छा होता है, नहीं तो जहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना वहाँ मामला ठीक है, तो हमारे 11000 काफ़ी है बड़ी रेंज के लिए आज से। बैंक निफ्टी 27375-27625 आज इंटरेस्टिंग दिए रेंज में, 25-25 पॉइंट दोनों तरफ बढ़ा दिए, ये नोटिस कर रहे हैं, हाँ 25 पॉइंट नीचे कर दिया, 27400 से 27600 के 25 पॉइंट ऊपर कर दिया, उसकी वजह डेटा है, पिछले 3 दिनों में जो डेटा की रेंज बनी है उसमें 25-25 पॉइंट और ये देने की रीजन है। क्या होता है हम 27400-27600 देते हैं, वो स्टॉप लॉस का लेवल देते हैं, ये स्पॉट लेवल से, तो बदमाशी होती है 25 पॉइंट नीचे कर दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और फिर वापस 27600 हो जाए तो फिर आपको बुरा लगेगा, फिर दुख होता है, हाँ इसलिए मैंने कहा तू डाल डाल मैं पात पात, हम भी रेंज अलग कर देते हैं, ठीक है ना, तो 25 पॉइंट
हाँ, एक और चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शकों को भाई, कि जब 27,000 का बैंक निफ्टी का लेवल है, 5-25 पॉइंट को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना चाहिए, खुद से ही एडजस्ट, हाँ खुद ही कर ले तो बढ़िया है, कंफर्ट जोन, हाँ नहीं तो हमें करना पड़ रहा दीजिए ना, हमने कर दिया अदरवाइज। तो ये है आपकी छोटी रेंज। अच्छा, बड़ी रेंज में आइए, मीडियम रेंज माफ कीजिएगा, 27,300, 27,700, इसमें कोई बदलाव नहीं, और एक्सट्रीम रेंज में भी बदलाव नहीं, 27,250, 27,750, ये जस की तस है, 10,850 आज दिन के लिए ये निफ्टी पर अहम सपोर्ट लेवल है, और 27,400 बैंक निफ्टी पर दिन के लिए अहम सपोर्ट लेवल है। निफ्टी 11,000 के लेवल ऊपर की तरफ मुश्किल वाला लेवल है, पार करना आसान नहीं है, वही 27,750 बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ का वो लेवल है, पार करना आसान नहीं है, दो लेवल ऊपर की तरफ ध्यान में रखिए रुकावट के लिहाज से। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं, जो कल था वही आज भी है, 10,875 के नीचे बंद होगा तो तेजी की पोजीशन कम करेंगे, 27,400 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो तेजी की पोजीशन कम करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं जरा निफ्टी की रेंज पे, अगर निफ्टी हमको बाय करना हो, और अगर हमको 900 के आसपास ही बाय करना हो, क्योंकि एसजेक्स निफ्टी के हिसाब से तो ज़्यादा हम शायद नहीं गैप के साथ खुलने वाले आज। देखिए 10,900 के आसपास बाय करेंगे तो 10,850 स्टॉप लॉस है, लेकिन ट्रेडिंग रेंज के दोनों तरफ मौके दे रहा है बाजार हर रोज, और उस लिहाज से अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो 10,850 के आसपास खरीदना ठीक है, ठीक है, 10,850 के आसपास मौका मिले जरूर खरीदिए, 10,800 स्टॉप लॉस होगा, 10,925, 50, 10,975, तीन लेवल के लिए आपको करनी है तेजी, ये क्लियर कट है, ठीक है, तो ये साफ नजर आ रहा है। ओके, ये तो हो गया आपका निफ्टी का, बेचना है बिल्कुल बेचना है, एग्रेसिव ट्रेडर है तो 10,950, 10,975 में ही बेच दीजिए, रिस्क है 100% है, तो स्टॉप लॉस भी छोटा है 11,000 का। दूसरा तरीका है 10,975, 11,000 के रेंज में बेचिए, थोड़ा कम रिस्क है, 11,000 के जितना नजदीक बेच पाएंगे उतना बढ़िया, और तब आपका स्टॉप लॉस 11,050 हो जाता है, और नीचे का टारगेट आपका 10,900 के आसपास का बनता है, तो 11,000 के जितना नजदीक बेच पाए उतना बेहतर है। निवेशकों ने पिछली बार 2-3 बार ये इसी रेंज में बेच के पैसा बनाया है, पैसा दोनों तरफ बन रहा है निफ्टी, लेकिन छोटा छोटा, आप 50 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में बनाना मुश्किल काम है इस वक्त, तेजी करके भी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना आप एकदम उसी लेवल पे पकड़ेंगे 10,850, ऐसा नहीं हो सकता ना 10,950 ही बेचेंगे, 5-10 पॉइंट तो आपके ऊपर नीचे होंगे ना, तो इसलिए 50 पॉइंट से ज्यादा बन नहीं रहे, उतना काफी है वैसा है। अब आइए बैंक निफ्टी, बेस्ट रेंज तो खरीदने की है वो 27,350, 27,400 है, एक तो ये इस रेंज पे खरीदना है, और स्टॉप लॉस लगाना है 27,250 का, टारगेट आपका 27,500, 27,600 का बनेगा। दूसरा तरीका ये खुलते ही खरीदने वाला, तो 27,375 आपका स्टॉप लॉस है, जो आज हमने रेंज का निचला हिस्सा दिया ना वो 27,375 स्टॉप लॉस है, अगर आप खुलते ही खरीदते हैं तो टारगेट वही है 27,600, 27,700 ऊपर के। आइए निफ्टी काम, बैंक निफ्टी काम बेचना है, एक तरीका तो ये कि एग्रेसिव ट्रेडर है तो 27,600 पे ही बेच दें, लेकिन मुझे डर लगता है 27,600 पे बेचना, वो कॉल दूंगा तो मार्केट के दौरान दूंगा, तो 27,600, 27,700 की रेंज में किश्तों में बेचना है, और 27,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 27,500, 27,400 तक के टारगेट के लिए, ये आपके लिए बिकवाली का मौका बन सकता है बैंक निफ्टी पर, सिंपल। ठीक है, इस पीछे एक शेयर आज एफएंड बैन में आ गया है, वो है रिलायंस कैपिटल, कुछ फर्क पड़ेगा बैन में आने से? नहीं, एक्शन ही खत्म हो जाता है, मतलब ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है मेरी उस पर। ठीक है, इस बीच विक्स भी 18 के आसपास है, कुछ खास नोटिस करने वाला पॉइंट ना? नहीं, कम हो गया, कल 10% बढ़ा था परसों, और कल 1% कम हो गया था। ठीक है, अब आते हैं जरा एफआईज और एफएंडओ के आंकड़ों पे, पहले जरा एफआईज के आंकड़े आते हैं, मैं यही आपसे शुरुआत में भी कह रहा था कि कैश सेगमेंट में कुछ नहीं हुआ, दोनों ने कुछ नहीं किया, ना एफआईज ने किया ना डीएस ने किया, ऐसा क्यों? कल की जबकि स्विंग तो बहुत बड़ा था, 80 पॉइंट नीचे भी आया निफ्टी, 40 पॉइंट की रिकवरी भी हुई, वो इंडेक्स में ही हो रहा था कल, मुझे लगता है कुछ तो ब्लॉक डील्स है, जैसे पेज इंडस्ट्री में नालंदा ने बेचा, ये उसको मिलाकर आप देखें तो शायद आपको 80 करोड़ की बिकवाली दिख रही है, हटाकर देखें तो आंकड़ा उतना बुरा नहीं, इनफैक्ट कल एफआईएस के आंकड़े अच्छे हैं, निम्पी खराब नहीं है, न्यूट्रल, उसमें मेन चीज है ना 760 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मैं हमेशा है ना इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स की खरीदारी को प्रीफर करता हूँ, उसमें भी स्टॉक फ्यूचर की खरीदारी से कैश मार्केट की खरीदारी पर फोकस करता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा आंकड़ों में वजन देना चाहिए आपको कैश मार्केट की खरीदारी या बिकवाली का, उसके बाद आपको वजन देना चाहिए स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी या बिकवाली का, उसके बाद आपको वजन देना चाहिए इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी या बिकवाली का, और आखिर में ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से देखें तो चूंकि 80 करोड़ की बिकवाली कैश में न्यूट्रल है, स्टॉक फ्यूचर्स 760 करोड़ के दमदार हैं, मजेदार हैं, अच्छे, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे लेकिन कम है 460 करोड़ के, तो उस लिहाज से आंकड़े बुरे नहीं है। घरेलू फंड के आंकड़े इसलिए न्यूट्रल है कि एक दिन अच्छे खरीदने के बाद उन्होंने कल फिर हाथ रोका है, 84 करोड़ की बिकवाली की है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है, अब आते हैं जरा एफएनडो के आंकड़ों पर। मैं फिर से वही ऑप्शंस का ट्रेंड आपसे जानना चाहता हूँ कि 10,900 निर्णायक लेवल क्यों बनाना पड़ा और 11,000 में तकलीफ क्यों हो रही है? एक चीज अच्छी हुई, कल 10,900 के लेवल पर 5,00,000 शेयर पुट में कम हुए हैं। जिन लोगों ने पुट बेचे, यानी कि तेजी की पोजीशन बनी थी। एक तो है ना, ये तेजी करने वाले लोग इतने डरते हैं, एक दिन का हल्का झटका नहीं सहन कर पाते, और ये तेजी करने वालों की प्रॉब्लम है। और मंदी करने वालों की भी ऐसी एक प्रॉब्लम है, डीट है, नहीं काटेंगे मंदी की पोजीशन, कट जाएंगे खुद लेकिन पोजीशन नहीं काटेंगे। तो दोनों ही मतलब, इसलिए फिर दोनों तरह के ये जो अड़ियल से लोग हैं ना, वो लोग फिर पैसा तोड़ते हैं। तो कल कमजोर तेजी के ट्रेडर्स थे, उन्होंने 5,00,000 शेयर कम किए हैं पुट में, 27,00,000 शेयर 10,900 के पुट पे हैं, 26,00,000 शेयर 10,900 के कॉल पे, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। 6 दिन हो गए आप 10,900 के 10-15 पॉइंट ऊपर 10-15 पॉइंट नीचे क्लोज दे रहे हैं, इसलिए वो निर्णायक लेवल है। ठीक है, ऊपर की तरफ 11,000-34,00,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, आसानी से पार नहीं करेंगे। नीचे 10,800-32,00,000 शेयर है, आसानी से तोड़ेंगे नहीं, तो रेंज क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिमाग की बात नहीं है। 13 पॉइंट का प्रीमियम है निफ्टी में, और 5,00,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में घटे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का डाटा क्या कहते हैं? बैंक निफ्टी में 27,500 निर्णायक लेवल है, क्योंकि 27,500 के पुट पर 4,00,000 शेयर हैं और कॉल्स में 5,00,000 शेयर है। इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी में किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर 1,00,000 शेयरों से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा आया, कमी नहीं हुई है। तो मतलब इंटरेस्ट कम है बैंक निफ्टी में, और वो सही भी है ना। बैंक निफ्टी मुश्किल से क्या, कितना, कल तो 150 पॉइंट भी रेंज में नहीं रहा, मतलब हार्डली कुछ मतलब मूवमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं, वहीं का वहीं घूम फिर के खत्म हो गया है ना। तो ये है, नीचे की तरफ वही सिंपल है, 27,300 अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, 27,700-28,000 की रेंज में जाकर रुक जाएगा। तो कोई डेटा में खास बदलाव है नहीं, ज़्यादा डिस्कस करने जैसा है नहीं। पुट कॉल रेशियो थोड़ा घटकर आया है 6-7 बेसिस पॉइंट, ठीक है, एक 53 पर है, वो भी ठीक है, विक्स ठीक है, वही है, कुछ बदला नहीं है डिम्पी लाइफ, रेंज वही चल रही है अभी। आज का वेट हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा यूएस और एशिया का जो कामकाज अलग हो रहा है, सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी हिम्मत दिखा रहा है। देखते हैं आज का दिन मार्केट के लिए कितना ठीक रहता है। तो इंडेक्स का पूरा एनालिसिस हुआ, अब आते हैं सीधा स्टॉक्स पे। स्टॉक्स के भी दो हिस्से हमने रखे हैं, पहला एक तो हीरो वाला स्टॉक, स्टॉक ऑफ द डे, और दूसरा रिजल्ट एनालिसिस पे भी। तो रिजल्ट एनालिसिस का कोई ऐसा शेयर जिस पे आप ना, रिजल्ट नहीं, आज खाली स्टॉक ऑफ द डे सिंपल। ठीक है, तो सीधा आज का स्टॉक ऑफ द डे ही देखते हैं, उसी से ही करते हैं शुरुआत आज स्टॉक्स की। तो फिर आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये है स्टॉक ऑफ द डे, और ये कमजोरी की तरफ है। रिजल्ट्स खराब है निम्पी, एक्चुअली मुनाफा 34% घटा है, नेट प्रीमियम इनकम में सिर्फ 10% का इजाफा है, कहीं भी किसी भी लिहाज से कोई ऐसे दमदार रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, और उम्मीद अच्छी नतीजों की थी थोड़ी, तो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि एक बार के स्टॉक में 2-3% का करेक्शन तो बनता है, आ सकता है नीचे। अब दिक्कत यही कि मेरी भी समस्या है, आप हमारे दर्शकों की भी है, और पूरे मार्केट की भी है, कि जो भी स्टॉक ऑफ द डे और आज का हीरो हम देते हैं वो गैप से खुल जाता है, और लेवल्स के आसपास ही होता है। तो इसमें देखो दो सिंपल चीज़ें, जो लोग 8 बजे की कमेंट्री सुनते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो 9:08 की भी सुने, जब प्री ओपनिंग सेशन में लेवल सेटल होते हैं तब हम क्या कर रहे हैं। पहली बात, अगर नहीं सुन पाते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, जो टारगेट्स दे रहे हैं, और समझिए आप कहीं रास्ते में और आप चैनल लाइव नहीं देख पा रहे हैं और खाली ट्विटर या फेसबुक पर पोस्ट देख कर डिसीजन ले रहे हैं, अगर लेवल हासिल हो जाते हैं, उसके आसपास हो जाते हैं, या गैप से ऊपर या नीचे स्टॉक खुलता है, तो फिर मत करिए ट्रेड, कोई ज़रूरी तो है नहीं, और नहीं है तो नहीं है भाई, सिंपल चीज़। कई बार आपको मौका देता है, जब गैप से नहीं, तब हम कहते भी कि हाँ खुलते ही ले लीजिए, खुलते ही ले लीजिए। जस्ट डायल था, कल जस्ट डायल था, हमने कहा भी कि खुलते ही ले लीजिए, 490-92 का हाई लगा है, उसके बाद स्टॉक नीचे गया, तो ये मौका देगा, तो इसलिए मौका मिले तो करिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, गया गया हाथ से, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। और बताने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको मौका मिल जाता है तो कर लीजिए। तो सिंपल चीज़ यही है, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ का फ्यूचर बेचना है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इसकी वीक आई है, कमज़ोर है, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 348 रुपये का, ये सारे फ्यूचर्स के लेवल है। हाँ, और नीचे की तरफ 338 और 333, ये दो टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, जरा टारगेट आप नोट कर लें, स्टॉप लॉस भी नोट कर लें, 9:08 में जो लेवल फ्रीज होंगे तब इसके बारे में वापस एक बार विस्तार से चर्चा कर लेंगे, लेकिन लेवल्स आप नोट करके रखें। रिसर्च टीम पूरी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुकी है, बातचीत करेंगे उनसे और जानते हैं कुछ अहम नतीजे भी। पहले रजत से जानते हैं कि एक तो रिजल्ट्स कौन कौन से आए हैं, उसको कैसे देखें, और दूसरा आज किस किस कंपनीज के नतीजे आने हैं। फिर दीपाली से जानेंगे खबरों वाले शेयर्स, और दिवांशी आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बताने वाली है। तो पहले रजत आप भी शुरुआत करें अर्निंग से आज। जी बिल्कुल, जो नतीजे आने वाले हैं निफ्टी कंपनियों में उसमें ITC पे नज़र है, और साथ साथ भारती इंफ्राटेल, ये दो कंपनियां जो आज नतीजे पेश करने वाली हैं। इसके अलावा
वायदा कारोबार में सूची लंबी है, जिसमें इंडिगो कल के सत्र में जोरदार रफ्तार में था, स्टॉक के नतीजे आने हैं। रेमंड और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों ही कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी, साथ साथ उज्जीवन, पिडिलाइट, कैनफिन होम्स और रिलायंस कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे आज के सत्र में आते हुए नजर आएंगे। कैश सेगमेंट में सूची बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन कुछ जो मेजर रिजल्ट्स हैं उसमें एसएल प्रोपैक और डीबी कॉप को हम ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र होंगे, और रेडिको खेतान, इंडिको रेमेडीज और बासफ, ये कुछ कंपनियां जो कैश सेगमेंट में रिपोर्ट करने जा रही है नंबर्स आज। जो नतीजे आ चुके हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, इसमें मुनाफे की फिगर 18.5% बढ़ी है, 245.6 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया। नेट प्रीमियम इनकम में 27% का इजाफा है और एयूएम इनके बढ़ गए हैं 13%, इन लाइन विद एस्टिमेट्स ही नतीजे हैं। सिंजीन, इस पे भी फोकस रहेगा क्योंकि मुनाफा 82 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ रहा है, यानी कि 6% का इजाफा। आय में 20% के लगभग इजाफा देखने को मिला है, 467 करोड़ आय पेश किया, और इन्होंने जो एबिटा रिपोर्ट किया है वो 11% ऊपर, अगर सालाना आधार पर कंपेयर करेंगे तो 126 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ का एबिटा है। ओबरॉय रियल्टी, यहाँ पर मुनाफा तो बढ़ा है 15%, 138 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अगर एबिटा देखें तो उसमें 1.5% की गिरावट है और मार्जिन इनके 54% से घटकर 36% रिपोर्ट हुए हैं। अन्य आय का कंपोनेंट भी है जो 4 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ रहा है, तो कमजोर नतीजे ऑपरेटिंग लिहाज से ओबरॉय रियल्टी के। भारत गियर्स के नंबर अच्छे हैं, इसमें मुनाफे के फिगर है 68% ज्यादा, यानी कि 2.8 करोड़ के मुकाबले 4.7 करोड़ का मुनाफा, आय 19% ज्यादा है 130 करोड़ से बढ़कर 155 करोड़ और एबिटा 54% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन भी 9.6% से बढ़कर सीधा बढ़ गए हैं 12.5% पर। आरएस सॉफ्टवेयर, यहां पर घाटा जो है इनका घटा है, 7 करोड़ से घटकर 6.5 करोड़ रहा है। आय में इजाफा देखने को मिला है 14.7 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़। एग्रोटेक फूड्स एक और कंपनी कैश सेगमेंट में, जिसमें मुनाफा लगभग बराबर बराबर ही 9 करोड़ के बजाय अब 9.9 करोड़ का मुनाफा इन्होंने रिपोर्ट किया, और आय 214 करोड़ से बढ़कर 215 करोड़ पहुंची है। मार्जिन इनके 8.3 पर ही स्टेबल हैं, और साथ ही साथ एबिटा में कोई भी बदलाव नहीं है, 18 करोड़ के आसपास एबिटा पोस्ट किया है। वीजा स्टील, कमजोर नतीजे, घाटा इनका आया है 30.7 करोड़ से बढ़कर 53.7 करोड़, तो घाटे में इजाफा देखने को मिला है। आय भी घटी है 386 करोड़ से घटकर 370 करोड़, एक और कमजोर नतीजे जिसमें क्यूपिड शामिल है। मुनाफे की फिगर 4 करोड़ के मुकाबले 2 करोड़, ये मुनाफे की फिगर है, 4 करोड़ से घटकर 2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और आय जो है वो 20.6 करोड़ से घटकर 10 करोड़ रही है। ठीक है, ये कुछ एक अर्निंग्स है, और जिनका अर्निंग्स आज आने, आज नंबर्स भी जा रहे हैं एफएनडो के, तो 6 कंपनियां हैं जिसके आज नतीजे आने वाले हैं, और निफ्टी की 2 बड़ी कंपनियां, एक तो भारती इंफ्राटेल और आईटीसी, जिसके आज ही नतीजे होने वाले हैं। इस बीच दीपाली भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं आज खबरों वाले शेयर्स। दीपाली बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी। सबसे पहले तो प्रभात डेरी फोकस में रहेगा, और कल सबसे पहले जी बिजनेस ने ही निवेशकों के हित की बात उठाई थी और कहा था कि जो 1700 करोड़ कंपनी को मिल रहे हैं वो उस रकम का क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को ये मिलेगा या फिर नहीं। कल मैनेजमेंट ने तो कोई बातचीत नहीं की मीडिया से, लेकिन आज स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रकम उनको मिल रही है डेयरी कारोबार बेचकर, इसको वो निवेशकों में बांटेंगे। किस तरीके से बांटेंगे उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक खबर ये भी है कि एमके ने प्रभात डेयरी को अपनी कवरेज से बाहर भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये डील हो रही है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित में नहीं है। कल फंड एक्शन भी हुआ था, इक्विटी इंडिया फंड ने करीब 16 लाख शेयर कल प्रभात डेयरी के बेचे भी हैं 86 रुपए के भाव पर, तो प्रभात डेयरी आज फोकस में है। इसके अलावा वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, खबर पॉजिटिव है, कंपनी ने इसरो के साथ करार किया है और 96 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को, जो कि 3 साल में पूरा करना है। इंपॉर्टेंट यह है कि आगे इसरो से कंपनी को और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, तो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज आज फोकस में होगा। वाटेक वाबाग अगेन ऑर्डर की खबर है, पॉजिटिव खबर है, एमआरपीएल से 470 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। डिस्टिलेशन प्लांट कंपनी कंस्ट्रक्ट करेगी कर्नाटका में एमआरपीएल के लिए। जेट एयरवेज लगातार खबरों में बना हुआ है, और अब नई खबर ये आ रही है सोर्सेस के थ्रू कि इमरजेंसी फंड क्रिएट किया जा सकता है जेट एयरवेज के लिए। लेंडर्स और एतिहाद मिलकर ये फंड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और अनुमान ये है कि 3.5 करोड़ डॉलर का ये इमरजेंसी फंड हो सकता है, जिस पर एतिहाद विचार कर रहा है। एक नया आईपीओ भी आज ओपन हो रहा है, जेलपॉक डिजाइन का, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो कि आईटी कंसल्टिंग सेवाएं देती है। 25 जनवरी तक ये खुला रहेगा, प्राइस बैंड 62 से 66 रुपए के बीच है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 3 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। फटाफट से कुछ फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। पेज इंडस्ट्रीज पर कल एक ब्लॉक डील हुई थी, उसकी डिटेल्स आई है। नालंदा इंडिया फंड ने लगभग 2% इक्विटी बेची है 22,161 के भाव पर पेज इंडस्ट्रीज की। इसके अलावा जहां प्रमोटर एक्शन हुआ है उसमें रिको ऑटो है, प्रमोटर ने 36,000 शेयर खरीदे हैं 18 से 21 जनवरी के बीच में। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहां पर प्रमोटर ने 1,00,000 शेयर बेचे हैं जनवरी 19 से 21 के बीच में। तो ये कुछ फंड एक्शन है प्रमोटर्स द्वारा आज के सत्र के लिए।
ठीक है, इसे फंड एक्शन में पेज इंडस्ट्रीज पिछले दो दिन से यहाँ पे सेलिंग हो रही है और कल भी खबर ये आई कि पेज इंडस्ट्रीज के अंदर करीब 1 लाख से ज़्यादा शेयर वापस से बेचे गए हैं नालंदा इंडिया की तरफ से। दो दिन से यहाँ पे सेलिंग हो रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से कल नालंदा के बेचने के बावजूद स्टॉक उस लेवल से काफ़ी ऊपर जाकर बंद हुआ। मेरे ख्याल से ये शायद वो कई बार कहते हैं कि लास्ट लोट की सेलिंग थी वो हो चुकी है, स्टॉक हो सकता है यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड दिखाने में की कोशिश करे। तो फंड की सेलिंग अपने आप में अहम है, लेकिन फंड की सेलिंग खत्म होने के बाद जो स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस है क्या वो भी चेंज हो सकती है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। प्रभात डेयरी ने भी अपना जो सफाई दी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि निवेशकों के हित की बात उनको रखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन दिक्कत ये कि वो अभी भी बता नहीं रहे हैं कि कितना बांटेंगे, कैसे करेंगे। मतलब एक सिंपल चीज़ है, मतलब जैसे निम्पी अगर किसी को ये नौबत आ जाए कि या इच्छा हो जाए कि मैं मेरा सारा घर बार बेच दूंगा और सिर्फ कैश आ जाए, मैं बस उस कैश से मैं अपनी बची हुई जिंदगी निकालूंगा, मेरे घर है, दुकान है, जो भी प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, सब बेच दे मैं समझो, और जो कैश आ गया बस अब फिर मैं सोचूंगा कि अब बच्चे ये जो पैसे आ गए इससे मुझे लाइफ निकालनी है, एंजॉय करना है। तो क्या मैं ये नहीं सोचूंगा बेचने के पहले कि ये जो पैसा आएगा ये कहाँ लगाऊंगा, ये कैसे करूंगा, या क्या करने वाला हूँ? तो क्या प्रभात डेयरी के मैनेजमेंट को पहले नहीं पता था 1700 करोड़ बेचने का अगर पूरा का पूरा बिजनेस बिक रहा तो इस पैसे का करना क्या है? एक दिन में थोड़ी होगी डील, इसके लिए प्लानिंग होनी होगी। ये मतलब ये प्रॉब्लम है, आपको पता है दिन भर में सुबह से पता है कि इन्वेस्टर परेशान है, सब कुछ है, ये है। अब आप एक चीज़ समझिए, एमके जैसे ब्रोकर को सस्पेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी कवरेज? क्योंकि मैनेजमेंट सवालों के जवाब नहीं देगा तो ऐसे ही होगा ना। आप किसी कंपनी पर रिसर्च रिपोर्ट निकालें, कोई फंड किसी कंपनी में पैसा लगाए और कंपनी रेस्पॉन्ड ना करें और डैमेज हो जाने के बाद रेस्पॉन्ड करें, उसका क्या मतलब? और वो भी आधा अधूरा आके बात करनी चाहिए, या तो चलिए ठीक है आपको मीडिया से नहीं करनी क्योंकि हम तो मुश्किल सवाल पूछेंगे, मेरे तो हाथ आ जाए तो मैं पूरा मतलब एकदम बढ़िया से ग्रिल कर डालूंगा। सीएसीएस वाला सारा एक्सपीरियंस लगा दिया। हाँ, एकदम है हिम्मत तो आके बात करें, मैं तो बहुत खुलम खुला बोलता हूँ, है हिम्मत तो बात कीजिए, सवाल के जवाब दीजिए, हम इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे पूछेंगे और वो खाली उतनी रिकॉर्डिंग से भी सुन लेगी तो काम हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। पॉइंट ये है कि आप 30% 40% स्टॉक गिर जाता है ऊपरी स्तरों से, उसके बाद आप सफाई देते हैं, वो भी आधे दिन नहीं, हम पैसे को बांटेंगे। अरे भाई कितना बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? अगर पैसे ही बांटने थे तो फिर ये कौन ऐसे आपके महानुभाव हैं जिन्होंने आपको डील इस तरह से स्ट्रक्चर करने की कोशिश की? कोई हमारे जैसे सीए रख लेते जो आपको बताते कि इस तरह से डील स्ट्रक्चर करना बहुत नुकसान की बात है, आप पहले तो टैक्स भर रहे हो, छवि भी खराब हो रही है, उसके ऊपर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोगे, नुकसान क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टर का? लमसम डील करते हैं, पूरी कंपनी बेच देते हैं, 99% बिजनेस जब बिक रहा है तो कम से कम टैक्स की बचत होती है, ऐसी टैक्स प्लानिंग कौन करता है नुकसान वाली? इसका मतलब क्लियर कट है कि हो सकता है मैनेजमेंट ने बेच दिए, पहले ये सोचा कि शायद चांस ले लेते हैं, अगर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा तो पैसे अपने पास ही रख लेंगे, पहले भी बहुतों ने रखे हैं, कोई क्लेरिस, कोई ओसवाल, कोई 50 कंपनियों ने ऐसे रखे LEL, तो हम भी रख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अब दबाव बन रहा है, ज़माना बदल रहा है। ठीक है, तो प्रभात डेयरी पे जो हमने कल बात रखी थी एक बार जल्दी से वो देख लीजिए, फिर उसका ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। इसका हीरो है प्रभात डेयरी, कि 1700 करोड़ में ये अपना दूध का कारोबार है जो बेचने जा रहे हैं, कारोबार बेचने के बाद कंपनी के पास कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ बचेंगे पैसे। अभी क्या करेगी पता नहीं, प्रभात डेयरी के मैनेजमेंट से हम आपको बात करेंगे, उनको सीधा सीधा पूछेंगे भाई बताओ आप करने वाले क्या है, ताकि पता चले। मेरे सवालों का जवाब दीजिए, कारोबार को देख के पैसा लगाते हैं कंपनी ने, हाथों हाथ कारोबार बेचने का फैसला ले लिया, कंपनी क्यों नहीं बेची, ये कारोबार क्यों बेचा? फिर से है ना, एक ही चीज़ कहूँगा दीपाली, देखिए हमारी चिंता एक ही चीज़ को लेकर है कि रिटेल इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर के साथ न्याय होना चाहिए। प्रभात डेयरी ये पहला स्टॉक कल के सत्र में बहुत भारी बिकवाली स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन आई है मैनेजमेंट की डेयरी कारोबार में बिक्री के ऊपर, हिस्सा बिक्री की रकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो निवेशकों के साथ बांटा जाएगा ऐसा मैनेजमेंट कह रही है। तो प्रभात डेयरी को लेकर मैनेजमेंट की सफाई है, लेकिन है आधी अधूरी, उम्मीद तो करते हैं मैनेजमेंट जल्दी इसका जवाब जी बिजनेस के आप स्क्रीन पर आपको जरूर दे। खैर दिवांशी इस बीच हमारे साथ हैं, वो आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बता रहे हैं। दिवांशी बताएं आप। बिल्कुल, आप ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पैसा कहाँ बन सकता है, जैसे एशियन पेंट्स की जो नतीजे आए थे बेहतरीन यहाँ पे नतीजे रहे थे, लेकिन एक बार स्टॉक ने थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया था, लेकिन जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है वो ये मान के चल रहे हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है डेकोरेटिव सेगमेंट का वो काफी बढ़ता हुआ दिखा है, जो काफी पॉजिटिव है। और यही नहीं, यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ मानी जा रही है वो लगभग
20 से 22% तक की मानी जा रही है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, और मैनेजमेंट ने जिस तरह से हाईलाइट किए थे कि चौथी तिमाही में यहाँ पे कच्चे तेल की जो असर है वो पूरी की पूरी दिखेगी, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे बना हुआ है। जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है तमाम ने यहाँ पे अपने जो लक्ष्य वो लगभग 200 से 250 रुपये तक बढ़ा दिए हैं, और मैक्वायरी ने अपग्रेड भी किया और परफॉर्मेंस पे 1180 का टारगेट था वहाँ पे से बढ़ाकर 1580 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, CLS से लगभग 1565 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। तो ओवरऑल एशियन पेंट्स पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा हेवल्स पर भी जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो नतीजों से काफ़ी खुश हैं और ये मान के चल रहे हैं, CLS से ये मान के चल रहा है कि यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 720 से बढ़ाकर 775 तक का कर दिया है। ये मान के चल रहे हैं कि जो आय है वो अनुमान से बेहतर रही है, और जिस तरह से एबिटा आया है वो भी यहाँ पे अनुमान से काफ़ी बेहतर आता हुआ दिखा था। लागत में कमी की वजह से यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स में भी जो बढ़त है वो यहाँ पे दिख सकती है। साथ ही TVS पर भी आज ब्रोकिंग हाउसेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे, वो ये मान के चल रहे हैं कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मॉपेट का जो कारोबार है यहाँ पे अभी भी कंसर्न्स है। और यही नहीं, वो ये भी मान के चल रहे हैं कि सेफ्टी और एमिशन के जो नए नियम आ रहे हैं उससे यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट की डिमांड पर थोड़ी सी कमी आती हुई दिख सकती है। तो EPS लगभग 2% से यहाँ पे CLS ने घटाया है, 360 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं और सिटी 480 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। इसके अलावा आज HDFC लाइफ पर ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी मिक्स्ड हैं, CLS ने अपना जो टारगेट है वो घटा दिया है, लेकिन क्रेडिट स्विस जो है वो अपने टारगेट्स बढ़ा रहे हैं HDFC लाइफ पर। ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रीमियम ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन CLS ने मानता है कि यहाँ पे जो परसिस्टेंसी रेशियो और मार्जिन है यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिख रही है। और ICICI प्रूडेंशियल पर भी CLS आज अपने लक्ष्य घटा रहा है, ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर उन्होंने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं। यूलिप पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है जिसकी वजह से मार्जिन हर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 430 तक के कर दिए, 20 रुपए घटाकर, और ये दूसरी तीसरी बार है जहाँ पे CLS ICICI प्रूडेंशियल पे अपने लक्ष्य घटा रहा है। ये CLS की रिपोर्ट से ज्यादा आती है, आप ज्यादा CLS की लेती हैं? नहीं, CLS आजकल काफी रिपोर्ट्स हर एक अच्छा, रिपोर्ट भी ज्यादा बहुत ज्यादा आ रही है। IFIs की ब्रोकरेज हाउस की जितनी रिपोर्ट आती है उसमें सबसे ज्यादा दमदार CLS की मानी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट वो दमदार है जिसके पीछे बाकी फंड बाय या सेल के ऑर्डर दे ताकि उस रिपोर्ट का असर मार्केट में दिखे, तो उस लिहाज से CLS की रिपोर्ट्स काफ़ी अहमियत रखती है। और अर्निंग पे थोड़ा वैसे भी एक्टिव हो जाता है। हाँ, अर्निंग पे उनके पास रिसर्च टीम बड़ी तगड़ी है, बड़ी भी है हमारी तरह। तो चलिए, ये तमाम रिपोर्ट्स, अब आइए हमारे एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। स्टूडियो में हमारे साथ हैं शुभम अग्रवाल साहब, और दिल्ली से हमारे साथ एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं कुणाल सरावगी साहब और राकेश बंसल साहब, और जयपुर से संदीप जैन साहब भी। आप सबको गुड मॉर्निंग। शुभम जी, शुरुआत आपसे की जाए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग। एक बाय एक्सेल? नहीं, आज 2x XL। वंडरफुल, बताइए। तो पहला बाई कॉल है अमर राजा बैटरी पर। वहाँ पे अगर देखें तो कुछ दिनों पहले एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, बट वो ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि एक टेम्पररी कंसोलिडेशन में चला गया था, बट कल फिर से यहाँ पे बिल्टअप देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो अमर राजा बैटरी खरीदें, 810 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 760 का। दूसरा बाई कॉल है डॉक्टर रेड्डी पे। डॉक्टर रेड्डी में भी अगर हम देखें तो एक बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, बट कुछ कुछ फार्मा स्टॉक्स में अब यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर में लॉन्ग बिल्ट होता हुआ दिखा है, उसमें से डॉक्टर रेड्डी एक मेजर बेनिफिशियरी रहा है लॉन्ग साइड पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम बनेगा। तो डॉक्टर रेड्डी खरीदे 2740 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 2580 का। और लास्टली एक सेल कॉल है कैनरा बैंक पर। कैनरा बैंक में दो दिन पहले हमने देखा था कि एक ब्रेकडाउन हुआ था, बट कल जो कंफर्मेशन आया है फिर से एक कंटिन्यूड सेलिंग का, वो मुझे लगता है एक इंडिकेशन है कि यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा सेफ ट्रेड ऑप्शंस के थ्रू पुट खरीदने की राय है। 260 के स्ट्राइक का पुट यहाँ पे खरीदने की सलाह है। 11 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 3 रुपये का। ओके, तो मंदी करें लेकिन पुट खरीद कर 260 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदें इसी महीने वाला, और इसका टारगेट रखें 11 रुपये। आइए कुणाल जी को पूछते हैं उनके पिक्स। कुणाल जी, आपकी लिस्ट बताइए। अनिल जी, एक खरीदारी और एक बिकवाली की राय है। खरीदना है टाटा पावर, जिसमें कि कल जब बाजार बंद हो रहा था बिल्कुल अंतिम क्षणों में हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा, और मुझे लगता है कि टाटा पावर में आज भी तेजी बनी रहेगी। 7840 के टारगेट से मुझे लगता है टाटा पावर बाय करना चाहिए, और 74.75 रुपये पर स्टॉप लॉस रखना होगा। बिकवाली की राय है आशु जी के फेवरेट शेयर में, और वो है रिलायंस इंफ्रा, जिसमें फाइनली 285 रुपये का अहम स्तर इस काउंटर ने कल तोड़ दिया, तो अब इसमें ब्रेकडाउन की पुष्टि हो गई है। मुझे लगता है बिकवाली करें,
270 का टारगेट होगा, 287 पर स्टॉप लॉस रखना है। और अनिल जी अभी अभी मैंने देखा कि आपने एक मुहिम छेड़ी है LTCG हटाओ, हाँ, तो इसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं बताइए। अरे अभी शामिल हुए, मैं सोचा था पहले आपकी पिक्स ले लूँ, पहले आपका ज्ञान ले लूँ, उसके बाद हम मुहिम शुरू कर ही रहे हैं। और बस तो दो मिनट दीजिए, उसके बाद आपको मुहिम में शामिल करते हैं। बंसल जी पिक्स बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पहले तो जो भी आप मॉर्निंग कमेंट्री दे रहे थे अनिल जी, उसमें मेरे को तीन बातें बड़ी अच्छी लगी। सबसे पहले तो जो आपने एक स्टॉक दिया बिकवाली का ICICI प्रोडेंशियल, वो मेरी भी लिस्ट पर है और हाँ। स्टॉक तेजी के अंदर था, इस स्टॉक के अंदर टूवर्ड्स क्लोजिंग एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, यहाँ पर मेरी भी बिकवाली की राय है। 349 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 337 का है और दूसरा टारगेट है यहाँ पर 330 रुपये का। अनिल जी दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ आप बोल रहे थे, जब प्रभात डेयरी के बारे में बता रहे थे, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि हम मकान, कोई मकान गोल्ड बेचता है तो पहले वो सोचता है कि उस पैसे का क्या करेगा। बिल्कुल अच्छी चीज बोली अनिल जी, यहाँ बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है प्रभात डेयरी में। आप कुणाल जी को देखें, इतना बड़ा पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, ये शेयर नहीं बेचते हैं कि बेचूंगा तो नया क्या लूंगा। तो काफी वैलिड पॉइंट आपने उठाया। और तीसरा अनिल जी जो वैलिड पॉइंट आपने बड़ा अच्छा बोला कि मंदी करने वाले जो होते हैं ना खुद कट जाते हैं बट मंदी नहीं काटते हैं, तो आज ITC का नतीजे हैं और काफी मंदी करने वालों ने ITC में मंदी कर रखी है। तो यहाँ पर अनिल जी अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक बोल्ड कॉल मेरी तरफ से आएगा विद अ कंडीशन, अगर यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, क्योंकि काफी लोगों ने मंदी कर रखी है तो ITC के नतीजे और ये रडार पे रहेगा। और अनिल जी दूसरा मेरा कॉल है बाय कॉल अजंता फार्मा पर। जैसे अभी शुभम भी कह रहे थे फार्मा अच्छा लग रहा है, अजंता फार्मा FNO स्पेस से काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खरीदारी की राय है 1130 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के लक्ष्य के लिए। एकमात्र बिकवाली की राय है मारुति पर, जिसने एक अहम सपोर्ट को तोड़ा है। मारुति में बिकवाली की राय है 7200 के स्टॉप लॉस के साथ 6879 के टारगेट के लिए। तो ICICI प्रू बेचना है, मारुति बेचना है, अजंता फार्मा खरीदना है और नजर रखनी है ITC पर। कभी भी किसी भी वक्त बंसल जी की तरफ से आ सकता है कॉल, चार्ट कॉर्नर भी हो सकता है, BTST भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी होगा अब 9:15 के बाद होगा। तो 9:15 बजे से बिल्कुल चिपक जाइए बंसल जी के साथ जी बिजनेस की टीवी स्क्रीन पर। लेकिन संदीप जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब पहले तो आप बताइए स्टॉक्स पे क्या क्या आपकी लिस्ट में वो बता दीजिए, उसके बाद हम मुहिम की करते हैं शुरुआत। देखिए मुझे कल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक चाल दिखी थी इनफैक्ट लास्ट आवर्स में, और इनफैक्ट फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे काफ़ी दिनों से मैं बुलिश भी हूँ, और जिन लेवल्स पे अभी ये स्टॉक्स चल रहे हैं तो यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम लगती है और बजट का समय है, तो मुझे लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर्स, इनफैक्ट देखा जाए तो NFL RCF चंबल फर्टिलाइजर्स ये सारे ही चले हैं, बट चंबल फर्टिलाइजर बहुत बढ़िया लगता है मुझे हर तरीके से, फंडामेंटल्स वाइज भी, जो इनके कैपेक्स भी इन्होंने अभी किया और आगे भी जो पोटेंशियल है, और प्रोमोटर्स भी बहुत बढ़िया लगते हैं, तो मुझे लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर के साथ जाया जाए। दूसरा प्रेस्टीज एस्टेट, रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफ़ी देखिए करेक्शन आ ही चुका है और प्रेस्टीज एस्टेट एक बैंगलोर में ज़्यादा व्यापार करती है और वहाँ पर अभी रिसेंटली उन्होंने 5-6 प्रोजेक्ट्स एक साथ सिंगल डे लॉन्च किए हैं और उसके बाद आप देखिए कि अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे, क्योंकि 240 के लेवल से 205-10 रुपये आए थे और कल वापस से अप मूव किया है, और फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट लगता है पूरे रियल एस्टेट स्टॉक्स में, तो इस पे ध्यान दिया जाए। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ITC में तेजी करनी चाहिए, हो सकता है रिजल्ट्स जो भी आए, मगर एक चीज़ है कि करेक्शन हो चुका है, काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, डाउनसाइड भी अगर आता है तो कोई रिस्क है नहीं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग की जा सकती है। और हमने एक वैसे पुट भी बिकवाई है कि 285 की पुट बेच सकते हैं जो 2.5 रुपये में बिकती है, तो रिजल्ट को एक एनकैश करने के लिए। अच्छा 285 वाली पुट बेच दें, कितने में बिक रही है जैन साहब, अंदाज से कुछ आइडिया है? 285 की पुट 2.5 रुपये में, 2.45 रुपये से 2.5 रुपये है, ठीक बात, तो बढ़िया लगता है, 282 रुपये तक का वो है, तो अच्छा खासा डाउनसाइड रहा। ओके, तो ये है आपके लिए ITC में तेजी करने की राय, 285 का पुट 2.5 रुपये में बेचकर 507 करोड़ का ऑर्डर मिला है JMC प्रोजेक्ट को, ये खबर अभी भी आती हुई दिख रही है। चलिए अब मुहिम छेड़ दें। बिल्कुल, मुहिम छेड़ने का शुभ मुहूर्त है। हाँ, तो मुहिम छेड़ने के लिए सबसे बढ़िया कुणाल जी, कुणाल जी से शुरुआत करते हैं। कुणाल जी हमने आज से मुहिम शुरू की है कि वित्त मंत्री जी LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स घटाओ नहीं हटाओ, बताइए आपकी क्या राय इसमें? शानदार अनिल जी, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, मुझे लगता है ये टैक्स तुरंत प्रभाव से हटाया दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एक
नेगेटिव इंसेंटिव मिलता है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने से बचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नेगेटिव टैक्स है। मैं पूरी तरह आपके साथ सहमत हूँ। मैं यही जानना चाहता हूँ किस तरह से हम सब लोग वोट कर सकते हैं कि LTCG को हटाया जाए। बिल्कुल, और ट्विटर पर और साथ ही साथ फेसबुक पर हमने पोल शुरू किया है, और हैशटैग का भी इस्तेमाल करें, और ये हैशटैग हमने लगाया LTCG हटाओ, हैशटैग LTCG HATAO, ये हैशटैग का आप इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। बंसल जी, आप भी अपनी राय दे दीजिए। अनिल जी, पहले तो आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद। अनिल जी, इतना बोल्ड स्टेप आपने उठाया है, कोई अभी तक खुल के बोला भी नहीं था इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट। अनिल जी, मैं तो काफी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं तो कई स्टॉक्स लेता है इसलिए था कि साल भर बाद उसको बेचूंगा कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और मुझे तो पर्सनली काफी पिंच हुआ है। और बिल्कुल मैं अनिल जी इसमें साथ हूँ, और बिल्कुल मतलब कि जितना हो पाएगा ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और मैं दिल से चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल हटना चाहिए। बिल्कुल शुभम जी। अनिल जी, मेरी भी यही सलाह है, बिल्कुल हटना चाहिए, बिकॉज अगर आप डिस्करेज करेंगे इन्वेस्टर्स को, इंडिया में ऐसे भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव तो है नहीं, अभी भी बहुत सारे लोगों को बाजार सीखना बाकी है, इन्वेस्ट करना बाकी है, और लोगों के पोर्टफोलियो में अभी तक इक्विटी का होल्डिंग बहुत कम है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये जो स्टेप्स है लाइक LTCG लगाना, मार्जिन बढ़ाना FNO में, इससे इवेंचुअली होगा ये कि पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली कम होता जाएगा, और जो बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं वो जाकर के दूसरे मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखेंगे रायर देन हमारे खुद के मार्केट में। इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल ये हटाना चाहिए, और इनकरेज करना चाहिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक मार्केट बहुत मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक तो एटलीस्ट ये टैक्सेस नहीं होना चाहिए। देखो, ये एक इंटरेस्टिंग बात कही कि ये सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स के हिसाब से नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है, वो फिर दूसरे मार्केट देखना शुरू करेंगे। जैन साहब, देखिए, तीन लोगों से हमने बात की LTCG हटाने को लेकर, और तीनों कौन है? वो लोग हैं जो ज़्यादातर ट्रेडिंग में, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने अपने पोर्टफोलियो, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रोफेशन है वो ट्रेडिंग वाला ज़्यादा है, ट्रेडिंग का उस। और ये पता है कि अगर LTCG लगेगा, लगा हुआ है मतलब, तो ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको 15% देना है, लॉन्ग टर्म में 10% देना, तो आदमी ये सोचेगा कि फिर ट्रेडिंग कर लूँ। उसके बावजूद ये अपने प्रोफेशन के, अपने इंटरेस्ट को दरकिनार करके जो सही चीज़ है उसकी राय तीनों ही दे रहे हैं। शुभम जी, कुणाल जी, राकेश जी, आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जैन साहब, अब आप बताइए, थोड़ा आवाज मजबूत रखेगा एकदम। नहीं नहीं बिल्कुल मजबूत है अनिल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी एक मुहिम छेड़ना, क्योंकि देखिए आप देखिए फरवरी 2 तारीख लास्ट ईयर जिस तरीके से 1 फरवरी को जब अनाउंस हुआ, और उसके बाद जो पैनिक मचा 2-3 दिनों के लिए, भले ही ठीक है मार्केट में फिर कोई और लीडर आ जाता है, कैसे ना कैसे मार्केट चल जाता है, बट ओवरऑल पैसा बना नहीं है। पिछले 1 साल में मैंने देखा है कि फंड्स के भी नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं कई, और PMS में भी अच्छे रिटर्न्स नहीं आए हैं, और ओवरऑल इन्वेस्टर्स भी पैसा नहीं बना, और बहुत वॉलेटिलिटी आई है। फिर LTCG लग गया, ASM लग गया, दुनिया भर की मार्जिन्स लग गई, जो शुभम जी भी कह रहे थे, और आप देखिए इन सब का नतीजा एक ही होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि रेगुलेशंस बढ़ने से सिस्टम्स और बेहतर होंगे, बट शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लॉन्ग टर्म देखिए क्या होता है कि 10 साल 15 साल 20 साल का लॉन्ग टर्म होता है कोई भी रेगुलेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट आने में, बट शॉर्ट टर्म में 3 साल 5 साल 7 साल में ये सारा मार्केट एक, जैसे कमोडिटीज में जब CTT लगा था, सारा मार्केट एक दूसरे मार्केट की तरफ, ऑल्टरनेटिव मार्केट जिसको हम डब्बा कहते हैं, वहां शिफ्ट हो गया था। वैसे ही अब इक्विटीज में हो रहा है, कमोडिटी FNO में हो रहा है, पहले ऑप्शंस की नहीं होती थी ट्रेडिंग, अब ऑप्शंस की भी होने लग गई वहां पे। सो ओवरऑल बहुत इंपैक्ट पड़ा, और हमारे ब्रोकिंग बिजनेस में तो पर्टिकुलरली बहुत इंपैक्ट पड़ा है, क्लाइंट्स बनना मुश्किल हो गया है। मैंने कल एक बहुत बड़ी ब्रांड की न्यूज सुनी कि वो लोग पूरे ब्रोकिंग आउटफिट, पूरा बिजनेस ब्रोकिंग आर्म बंद कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इतना स्ट्रिंजेंट होंगे नॉर्म्स, तो मुझे लगता है कि ब्रोकिंग बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक तरफ तो डिसरप्शन है डिस्काउंट ब्रोकिंग का, और दूसरी तरफ अगर कोई प्रीमियम ब्रोकिंग कर रहा है तो वहां पे ये सारी चीजें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रोकर्स टू इवन सर्वाइव। तो मुझे लगता है कि अनिल जी, मैं मजबूत भी था आवाज में, और दुखी भी था, और गुहार भी कर रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री को सेव करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ ईमानदारी से, बीच में भी एक बार है ना ऐसा वक्त आया था जब ब्रोकिंग बिजनेस करना मतलब बहुत मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम है। एक तो ये है काजल की कोठरी, कोई भी आपका क्लाइंट कुछ गलत कर जाए तो ठीक रहा तो ब्रोकर के सर पे ही फूटता है, जिम्मेदार तो ब्रोकर ही है, मतलब किसी ने कुछ भी किया, पहली चीज। दूसरी चीज़ है ब्रोकरेज रेट्स आ गई ऐसी कि मतलब काम करो नहीं करो बराबर है। तीसरी चीज़, क्लाइंट आपका काम करता है ऐसा करता है जैसे आपके ऊपर बड़ा एहसान कर रहा है, आपका दामाद है उस तरह से वो बिहेव करता है।
तो ऐसे सिचुएशन में बहुत लोग बोलते थे कि ये तो हमको क्या है कि पान वान लगाना नहीं आता, नहीं तो ब्रोकरेज का बिजनेस छोड़ के पान की दुकान ही खोल देते हैं। जैन साहब, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही कहीं आपको कि मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि भैया मार्केट के अलावा और कुछ आता नहीं तो अब और क्या करें, इसलिए मार्केट कर रहे हैं, अगर मौका मिलता तो प्रोफेशन शिफ्ट ही कर देते। नहीं, ठीक बोल रहे। देखिए अनिल जी, कई बार क्या होता है जब बिल्ली को कुछ नहीं मिलता ना खाने को तो अपने बच्चे को खा जाती है। वैसे कई ब्रोकर्स को मैंने देखा है, पहले बेचारे ब्रोकिंग करते हैं, अच्छा चल रहा है धंधा, और फिर लास्ट में ऐसा होता है कि अब जब क्लाइंट ही नहीं है, अब मार्जिन पढ़ाई एक्सचेंज में, तो खुद की ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और लास्ट में देखिए वो ट्रेडिंग करते करते खत्म हो जाते हैं। देखिए कुल मिला के बहुत डिफिकल्ट है कि आप ट्रेडिंग करके पैसा बना लो। सारे इतने दिग्गज एनालिस्ट बैठे हैं, आप लोग भी हैं, सब हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स को रिसर्च के साथ करें, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रिसर्च साइड हो जाता है, और जब आपका खुद का पैसा रहता है जहां आपको जवाबदारी नहीं होती है तो कई बार आप ज्यादा एग्जुबरेंट हो जाते हो। तो वैसा ही कई ब्रोकिंग आउटफिट्स मैंने देखा जो बंद हो गए हैं, और यही एक रीजन है कि रेगुलेशंस को थोड़ा इजी करना पड़ेगा। और रेगुलेशंस आप साथ साथ स्ट्रिक्ट कर रहे हो तो फिर आपको पेनेट्रेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इवन ब्रोकिंग में लाना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूं कि इस बजट में ये मुहिम चढ़ जाए कि कहीं डीमैट अकाउंट का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए तो वारे नारे हो जाए इस इंडस्ट्री के। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे स्टेप्स और ओवरऑल इन टोटैलिटी देखना पड़ेगा रेगुलेटर्स को भी और सारे एसोसिएशंस, सारे ब्रोकर्स को कि किस तरीके से इस मार्केट को बचाया जाए या डेवलप किया जाए। होगा सर, चिंता मत करो, कुछ अच्छा होगा, कोशिश यही है। देखिए ब्रोकर्स वैसे ही मतलब ये प्रोफेशन ऐसा हो गया जिसमें मतलब हर वक्त आपके ऑफिस में कोई ना कोई तो ऑडिटर रहेंगे, कभी सेबी के, कभी एक्सचेंजेस के, कभी खुद के, मतलब और सब तरह से बेचारे मतलब क्लाइंट, बिजनेस, रेगुलेटर्स, एक्सचेंज, और अभी तो मास्टर स्टॉक लगना बाकी है, पता लगे टाइम भी बढ़ा दिया। हाँ, ऊपर से टाइम भी बढ़ा दिया। अभी तो ये लगना बाकी है, अगर ये टाइम बढ़ा दिया तो रही कहीं कसर वो भी खत्म हो जाएगी। हार्दिक सहानुभूति है सर हमारी आपके साथ, बस यही कह सकते हैं। आइए स्टॉक्स की तरफ बढ़ते, आगे ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में दिखेंगे। HDFC लाइफ CLSE की तरफ से टारगेट घटाया है, 475 किया 510 के, नतीजे मिले जुले या उम्मीद के मुताबिक है, चार्ट तैयार है। कुणाल जी जरा बताइए स्टॉक में क्या कुछ करेक्शन दिखेगा, नीचे आ सकता है क्या? देखिए काफ़ी वक्त से काउंटर शांत है, इसमें किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन हमने नहीं देखा और ना ही कोई उछाल आते हुए देखा है। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस नज़र आती है, ये 410 रुपये के आसपास है, तो मुझे लगता है कि एक बार ये 410 के लेवल को निकाल जाएगा तब इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड यहाँ संभव है। इस काउंटर में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो कि 370 रुपये के रीजन में है, तो 370 से 410 की रेंज है, रेंज के बाहर निकलेगा तो तेजी बनेगी। मुझे नहीं लगता कि अभी इस रिपोर्ट के चलते बेचना चाहिए, होल्ड करने की राय है। 370 पर स्टॉप लॉस रखें, मध्यम से लंबी अवधि में रखते हैं तो मुझे लगता है दोबारा से 460-480 के लेवल्स देखने को मिले। ठीक है, एशियन पेंट पे एक सिंगल ब्रोकरेज हाउस भी ऐसा नहीं है जिसने इसकी रेटिंग को या तो घटाया हो या तो इसके टारगेट को घटाया हो, सबने इसके टारगेट को बढ़ाया, सारे के सारे आपके सामने चल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1620 जेफरीज की रिपोर्ट आई है जिन्होंने 1400 से बढ़ाकर सीधा 1620 किया है। शुभम एक बार जरा आप देखें, इसके सभी लोग इसके मार्जिन से खुश हैं, इसकी कमेंट्री से खुश हैं कि आने वाले दिनों में इसके मार्जिन और बेहतर होंगे, बिजनेस अच्छा बढ़ेगा। डिम्पी, यहाँ पे अगर सिर्फ प्राइस एक्शन को अगर देखा जाए तो कल के सेशन में जब रिजल्ट आया उसके बाद हमने देखा कि एक गिरावट हुआ, फिर पुलबैक हुआ और फिर एंड हुआ फाइनली एक करेक्शन, मार्जिनल करेक्शन के साथ। और ये जो कल का हाई था वो प्रीवियस स्विंग हाई के साथ अगेन कोइंसाइड होता है जो 1435-1440 के आसपास में। तो अगर यहाँ पे ट्रेड बनाना भी है, मुझे लगता है कि 1440 के पहले नहीं लेना चाहिए। अगर आज इतनी सारी रिपोर्ट है, अगर उसके पार निकल करके खुलता है तब वहाँ पे मुझे लगता है ट्रेड बनाना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बिकॉज कल का जो सप्लाई था वो सिग्निफिकेंट था और वो लेवल को क्रॉस हो पाना जरूरी है। तो 1440 के ब्रेकआउट के बाद खरीदे, तब हम 1500-1520 तक के टारगेट वहां पे देख पाएंगे और तब हम 1420 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट ये ब्रेकआउट काफी अहम होगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट काफी अहम है, इसलिए 1440 1440 एक बार पार हो जाए एशियन पेंट्स में, उसके बाद फिर खरीदारी की जाए। फिलहाल है उसमें 30-35 रुपए, एक बार शुरुआती झटका देखते हैं कैसे लगता है इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस बीच हेवल्स के भी कल नंबर आए थे, हेवल्स के नंबर आने के बाद वो दिन के ऊपरी स्तरों पर जाके बंद हुआ, रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही हैं और CLSE की एक बड़ी रिपोर्ट है जिन्होंने टारगेट को बढ़ाया, 775 किया है। कुणाल जी एक बार जरा हेवल्स को देखिए, डे हाई पे है, नंबर से पहले भी मैंने आपसे पूछा था और नंबर्स के बाद भी आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें अभी करना क्या है।
देखिए डीपी, हम कल भी इसकी चर्चा कर रहे थे और कल इसमें मैंने कहा था कि एक रेजिस्टेंस है जो कि 725 रुपए के आसपास है, और पिछली बार जब इसने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया था तो लगभग उन्हीं स्तरों पर इसने लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर इसमें एक बड़ा करेक्शन देखा गया था। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि उस लेवल के बहुत करीब ट्रेड हो रहा है, इन स्तरों पर मेरी नई खरीदारी की राय नहीं, मुझे लगता है एक बार 725 निकाल करके क्लोज दे दे तब यहाँ पर हैवल्स पे बाय करना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी काफी रैली कल कर चुका है, तो 725 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर मेरी राय में बाय करना चाहिए। ओके, 725 के ऊपर का ब्रेकआउट का इंतजार करें। सिंजिन, ये को स्टॉक है जिस पर बंसल जी जरा राय दीजिए। नतीजे ठीक है, मिले जुले हैं उम्मीद के मुताबिक है, खराब तो बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। 82 करोड़ से मुनाफा 87 करोड़, 388 करोड़ से आय बढ़कर 468 करोड़ आई है सिंजिन। इसके रिजल्ट के लिहाज से चार्ट्स, और बायोकॉन जो कल थोड़ा मजबूत नजर आ रहा था, बंद होते होते भी दिख रहा था कि तेजी की तैयारी कर रहा है, बताइए उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए अनिल जी, सिंजिन का टेक्निकल रुझान अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट ओवर है, और स्टॉक की कल की क्लोजिंग 578 के अराउंड की है, 580 एक ब्रेकआउट लेवल है, और चांसेस लग रहे हैं अनिल जी, ब्रेकआउट के चांसेस लगते हैं। 580 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा अपमूव टूवर्ड्स 598-600 रुपीज तक का देखने को मिल सकता है, और बायोकॉन का टेक्निकल रुझान अच्छा है अनिल जी। मुझे लगता है अगर दोनों में से कुछ एक बाय करना हो तो बायोकॉन को नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पर टेक्निकल रुझान ज़्यादा अच्छा है। सिंजिन के पॉजिटिव नतीजों का भी यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस ये स्टॉक ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिखा चुका है 660 के ऊपर, और यहाँ पर अब स्टॉप लॉस बैठता है 658 का, और टेक्निकली ये स्टॉक ऊपर में 688-695 तक की रैली दिखाने का दमखम रखता है। अरे बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि कल बायोकॉन में हमने कल के 2000 में दिया था, तो उम्मीद करते हैं सिंजिन के नतीजों का थोड़ा बहुत फायदा तो इसको मिल ही जाएगा। लेकिन आइए, दिग्गजों को है भारत की ग्रोथ पर पूरा भरोसा। दावोस में जी बिजनेस अकेला ऐसा हिंदी चैनल है जो वहां पर पूरा कवरेज आपके लिए कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके दिग्गज जो हैं वो दावोस में हैं इस वक्त, और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल भी। उन्होंने बात की SBI के MD दिनेश खारा साहब ने, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरे विचार में जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया एक इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी है जो कि ट्रेड से अफेक्टेड है लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है जी। डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया का ग्रोथ का मेजर इंजन है, तो उसको देखते हुए डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बरकरार रहेगा, मेरा ये मानना है। ओके और जहाँ तक ग्लोबल ट्रेड का इम्पैक्ट है, वो ज़्यादातर क्रूड प्राइसेस की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा, और अगर जहाँ तक वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट को देखा जाए, तो अगर ग्लोब में अगर इंडिया के एडवांटेज में रहेगा और उससे फिस्कल में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, जिससे कि करेंसी स्टेबल रहेगी, ये मेरा मानना है। तो आज भी दिन भर दावोस के दिग्गजों का पूरा यहाँ पर इंटरव्यूज आप दिन भर जी बिजनेस पर देख सकते हैं।